हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ इनकलाब बाय फरहान अली वारिस नोहा 2011 का ये नोहा है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, ये बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो को लेके इनकलाब। सो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं उसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। एंड जिसने भी देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50K करवाना है जल्दी से जल्दी, है ना। तो अब इस वीडियो को देखते हैं उसका जो भी बात करें। अली अली इस्लाम हक इनकलाब मजहर अबिदी सर का ये कलाम। है नई सुबह का आगाज अल्लाह जिंदगी जलाले शहे मशरकैन दे इस ताजा करबला को भी अज़्मे हुसैन दे। अल्लाह ने इंतशार के जख्मी अलम बदोश हैरान है अक्ल ज़हन परेशान है लब खामोश डूबे हुए है गम के समंदर में अहले हो इतना फसाद ऐसा हुआ है यहाँ के बस अमनो अमा की ऐसी उड़ी धज्जियाँ के बस नारों से इंतकाम कर दिल डालने लगा तलवार चुप हुई तो लहू बोलने लगा इंतकाम इंतकाम जमी के 14 तब मातम की सदा से हिल जाए हर घर पे इमारत पे हर से अब्बास के परचम लहराए ये ख्वाब हकीकत पाएगा फिर बच्चा बच्चा बोलेगा तफसीर अकीदे की है यही ताबीर अकीदे की है यही अब्बास का परचम हाथों में और सबके लबों पर एक नारा तलवार की धारों को मोड़ रुख फेर दो इन तूफानों का हक बात कहेंगे सूली पर ये अज़्म हो नोहा खानों का जज्बों को जरा तूफान करो मीसम की तरह ऐलान करो खंजर की काट हो लफ्जों में लहजे में गर्ज हो बिजली की हालात तकाजा करते हैं अब गूंज फिजा में एक सदा इंकलाब इंकलाब हम है अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं कटती है जबान कट जाए मगर पैगाम जबानी देते हैं शाहिद है अदाए भी संभी हम है वाली के दीवाने जिस पेड़ पे फांसी लगनी हो उस पेड़ को पानी देते हैं आलिया, आलिया, आलिया।
ये जबां काट दो, जिस्मो जां काट दो, मिधते मुर्तजा की सजा दो मुझे, जिक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे सौ बार सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए लेके हाथों में अपने उड़ा दो मुझे, उड़ा दो मुझे, एक दो दिन नहीं सुबह में शर्तल, जब जहां जिस तरफ वो हवा जाएगी, हवा जाएगी, हकदिया ही की सलाएगी, गौर से सुन ले अहले जहां, सिख हैदर न रुक पाएगा, शह की मजलिस न रुक पाएगी, शह का मातम न रुक पाएगा, तुम जुल्म की हद को पार करो, हम सब्र का दामन थामते हैं, तुम लाख मजालिम हम पे करो, हम खून बहाना जानते हैं, तुम आओ हमको कत्ल कर, हम अपनी शहादत मांगते हैं, हम अपनी शहादत मांगते हैं, है जान हमारी कर्ज़े अली, ये जान तो हमको देनी है, तुम कितने हुसैनी मारोगे, ये सारे काम हुसैनी है, विरसा है शहादत तो अपना, घर दिल न हमारा विरसा है, जो मौत से आँख मिलाता है बस वो ही हुसैनी होता है, मसलूम के मातमदार बन, अकबर कहीं प्रचार करो, हल मिल की सदा जहनों में रहे, मातम की सदा लबैक कहे, हर दार का मरहब का पूट है अज़्म हुसैनी, जाग जरा, आशूर का जब सूरज देखो, खुद अपनी माँ से जाके कहो, पहनाओ कफन मरने के लिए, ऐ माँ मुझको तैयार करो, तैयार हूँ मैं अकबर की तरह, तुम अज़्म दिखाओ ज़ैनब सा, मैं कासिम से बढ़कर तो नहीं, ना हुस्न में हूँ अकबर की तरह, ना नो मोहम्मद जैसा हसीन, ना बेटा तेरा असगर की तरह, सहरोज का मैं प्यासा तो नहीं, मजबूर नहीं तन्हा तो नहीं, तन्हा तो नहीं, घर लौट के घर में ना तुम जब्त मेरा गम कर लेना, अशकों को ही मरहम कर लेना, शब्बीर का मातम कर लेना, फरहान और मजहर की है दुआ, ये फर्श आबाद रहे, पैगाम हुसैनी देते हर वक्त लबों पे हो ये सदा, सीट बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल यार, बहुत नेक्स्ट लेवल ही नोहा था द रिटनिंग, सच बता रहा हूँ, इसका पोइट्री लेवल
बहुत ऊपर क्लास का था, मज़े रही थी सर। एंड जिस अंदाज में फरहान अली वाली सर ने इस पूरी नोवे को डिलीवर करा है, बहुत नेक्स्ट लेवल। लाइक लिटरली हुसैनी होते ही ऐसे, हुसैनी होते ही ऐसे, वो अपने कातिल तक को पानी पिला देते, जहाँ पे लाइक उनका कातिल लाइक सोच रहा होता है कि मैं किस तरह से इसका कत्ल करूँ, किस तरह से इसको मारूँ, वहाँ पे उस वक्त जो शहीद होने वाला है ना, वो उस वक्त भी ये सोच रहा होता है कि मेरे जो कातिल में उस कातिल में उसकी किस तरह से खिदमत करूँ। इस तरह के होते हैं हुसैनी, जहाँ तुम हम पे जुल्म करोगे हम सह लेंगे, हम सहन करना सीख लेंगे, इस तरह के होते हैं ये हुसैनी। बेसिकली ये नोहा एक आवाज़ था, इनकलाब चाहिए, जहाँ पे स्टार्टिंग से बात करी जा रही थी कि अलम उठाने वाले को जिस तरह शहीद करा जाता है, एक तरह से लाइक जितने जुल्म करे जाते हैं हुसैनियों के ऊपर प्रॉपरली, एक तरह से पूरा ये नोहा था, एक तरह से लाइक हमें इनकलाब चाहिए। तुम्हें भी पता है कितने जुल्म होते हैं हुसैनियों पे स्टार्टिंग से अभी तक के, जुल्म होते आ रहे हैं। लाइक इन्होंने कहा ना, जिस तरह से ये फितना फैला है एक तरह से कि लाइक लोग बट गए एक दूसरों में, जहाँ पे जो लोग हैं वो हुसैनियों को मातम करने से रोकते हैं, आज़ादारी करने से रोकते हैं, एंड वो लाइक बहुत तकलीफ़ उनको देते हैं, लिटरली उनको नहीं करने देते अपना काम। बेसिकली पूरा ये बताना चाह रहे हैं, एंड ये बता रहे हैं कि हम जो हुसैनी लिटरली, हमें तुम कितने बार भी मार दो, ये चीज़ें हम कभी नहीं रोकने वाले, हम मातम नहीं छोड़ेंगे। लाइक प्रॉपरली ये जो तुम जिसे कह रहे हो ना कि ये जो शहीद होना, ये तो हमारे विरासत में ही लिखा है, शहादत हमारे विरासत में ही है, नस्लों दर नस्ल से हमारे नस्ल शहीद होते आ रही है, हमारे घर जलते आ रहे हैं, ये तो हमारा विरसा है, ये हमारा विरासत है, तुम हमें कितने बार मारोगे, तुम हमें जला के लाइक वो कहते हैं ना राख जो होता है वो भी ऐसे उड़ा दोगे ना, तो हम हर तरफ फैल जाएंगे और हर तरफ से लाइक आवाज़ें आएंगी, या मतलब या हुसैन हक अली, यही आवाज़ आएंगी हर तरफ से, और ये आवाज़ सिर्फ एक दिन तक नहीं, ये मैसर तक चलेगा। ये बहुत ज़बरदस्त लाइन था लिटरली, तुम हमें जला के जो राख को ऐसे उड़ा दोगे ना ऊपर, वो राख हर तरफ फैलेगी और एक तरफ हर तरफ से यही आवाज़ आएंगी या हुसैन। ये बहुत नेक्स्ट लेवल लाइन था मज़र अबेदी सर का, सच बता रहा हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल ही नोहा था यार लिटरली, सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल ही नोहा था लिटरली। कह दो लाइक जमाने ज़माने के सारे मरहबों से लिटरली, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये चीज़ कभी नहीं रुकेगी, फ़र्ज़ अज़ा जो प्रॉपरली बिछते आ रहा है, ये कभी नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें बीच में एक सीन था लाइक प्रॉपर एक पार्ट था, जहाँ पे बताया गया है कि जब भी लाइक अशूरा का सूरज तुम देखो, अशूरा के दिन की पूरी बात करी जा रही है, अशूरा का सूरज तुम देखो, तो उस वक्त अपनी मदर से जाके खुद जाके ये कहो कि तुम मुझे तैयार कर दो, कफन मुझे पहना दो। लाइक तुम्हें पता है आज़ादारी करने के लिए जब जाएंगे एक तरह से, तो वो फुल तैयारी होंगे, कफन पहनाओ, एंड वो एक तरह से अपनी मदर से कहेंगे कि हम जो है ना प्रॉपरली सजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम की तरह तो लाइक नहीं है, हम अली अज़हर अलैहिस्सलाम की तरह तो नहीं है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह तो नहीं है, हम जो है प्रॉपरली काफ़ी दिनों के पैसे नहीं है, लेकिन जब हम जाएंगे ना, तो जब हम एक तरह से शहीद होकर आएंगे ना, तो हमारे नाम का मातम कर लेना, हमारे लाइक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का मातम कर लेना। प्रॉपरली ये बीच का जो सीन था ना, प्रॉपर जहाँ पर लाइक एक्सप्लेन करा जा रहा था अपने मदर से, लाइक बेटा एक तरह से कहेगा जब अशूरा का सूरज वो देखेगा, बहुत दर्दनाक वो मंजर था लिटरली यार, बहुत नेक्स्ट लेवल ही नोहा था फरहान अली वाली सर का, स्पेशली पोइट्री लेवल, मज़र अबेदी सर की पोइट्री लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल थी, कहना पड़ेगा जिस तरह से इस पूरे नोहे को लिखा गया, इस पूरे कलाम को लिखा गया है। एंड फरहान अली वाली सर की तो बात ही अलग है, प्रॉपरली बीच का जो पार्ट था वहाँ पे जब लाइक उनकी जो वॉइस की टोन थी ना, वो बहुत दर्दनाक थी यार, बहुत दर्दनाक टोन थी, जिस तरह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा बीच का पार्ट। एंड बस वही है, हर तरफ लाइक आएगा इनकलाब चाहिए, लोगों के छतों पे हर तरफ मौला गाज़ियाबाज़ अली इस्लाम का अलम होगा, लोगों के ज़ुबा पे सिर्फ एक ही नारा होगा, लबैक या हुसैन या अली हक अली, एक तरह से लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल नोहा था फरहान अली वाली सर का, मुझे बहुत पसंद आया नोहा, एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में, तक अपना ख्याल रखिए, बी सेफ बी हैप्पी, पीस आउट योर अली मदद, लबैक या हुसैन।